पाठ दो, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारित संरचना। आर्थिक आधारित संरचना होंगी की है? वो पूंजी स्टाक जो उत्पादन प्रणाली में प्रत्यक्ष सेवावान प्रदान करता है, जिमें देश की यातायात प्रणाली, भाव जिमें रेलवे, सड़क, हवाई सेवावान। तीन तरह की होंगी, एक थल मार्ग, जल मार्ग अते हवाई मार्ग। रेलवे, सड़क, हवाई सेवावान, यही उत्पादन अते वितरण प्रणाली के एक हिस्से के रूप में ही सेवावान प्रदान करदियां हन। इस तरह ही बैंकिंग प्रणाली मुद्रा अते पूंजी बाजार के हिस्से के रूप में उद्योगों अते खेतीबाड़ी नूं वित्त प्रदान करदियां हन। कल असी इहदे बारे पढ़िया सी कि की हुंदा आर्थिक आधारित संरचना। ये वो संरचना है जो दूजे दूजे साधनों के विकास में सहायक हैं। जिमें कोई उद्योग लग्या तो उद्योग के कच्चा माल लेके आना, कच्चा माल उतों बनया माल तैयार माल मंडिया तक पहुँचा, ये सारा कुछ इस अधीन आना। जिमें रेलवे, सड़क, हवाई सेवावान। फिर बैंक, बैंकों के लैन देन हों, जो लोड़ होगी फर्म तो पैसे की तो लोन वगैरह हो जाता, तो जो ज़्यादा हो गए तो बैंक के जमा हो जाते हैं। तो सारा कुछ ये एक आधार है, भाव आर्थिक, आर्थिक हो गया पैसे का लेन देन, वित्तीय व्यवस्था, आधार, आधार हो गया बेस, संरचना किसी चीज़ का, स्ट्रक्चर किसी स्ट्रक्चर का, किसी संरचना का आधार होंगे सारे ये। भारत दियां महत्वपूर्ण आर्थिक संरचनावां किहड़ियां किहड़ियां हन? नंबर एक, यातायात अते संचार। नंबर दो, बिजली अते शक्ति। नंबर तीन, सिंचाई। नंबर चार, बैंकिंग अते वित्तीय संस्थावां। सब तो पहले असीं करांगे यातायात अते संचार। किसी देश की यातायात प्रणाली विच वो सारे साधन आउंदे हन जो लोकां अते वस्तुआं नूं एक स्थान तों दूजे स्थान तक लिआउण अते लिजाण लई वरतों विच आउंदे हन। इस विच रेलां, सड़कां, जल अते हवाई यातायात नूं शामिल कीता जांदा है। संचार दे साधनां विच डाक सेवावां, तार, टैलीफोन, रेडियो, इंटरनेट, टैलीविजन आदि शामिल हन। यातायात अते संचार। नंबर एक, यातायात आवाजाई दे साधन, थल मार्ग, जल मार्ग अते हवाई मार्ग। ये की हैगा, कोई उद्योग लगे, उद्योग के कच्चा माल लेके आना, तो बने माल मंडिया तक बाजार के पहुँचा, ये सारा कुछ कि हिस्से आता यातायात के साधनों के हिस्से। असी देखिया कि साढ़े कि पिंड शहर महल्या गलिया साइकलों उत्ते, मोटरसाइकलों उत्ते अजकल आम चीज़ों को बेचण दे लई आउंदे हन। तो पिंडां दे विच अजकल एक सारी देखते हैं कि जो साडे सिर दे वाल हुंदे ने, कंघी वाले वाल, इन्हां दी भी कीमत आ गई, इन्हां दी भी कीमत आ गई, ये भी खरीदण दे लई आउंदे ने। ये सारा कुछ किहदे अधीन आउंदा गा? सारा कुछ ये यातायात, कोई साइकिल ते आउंदा, कोई मोटरसाइकिल ते आउंदा, कोई गड्डी ते आउंदा, कोई कार ते आउंदा, ये सारे यातायात दे साधन ने। फिर संचार, हुण महामारी का समां चल रहा तो हुण की हो रहा, सारे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, घर बैठे उन्होंने टेस्ट हो रहे हैं, उन्होंने जो जो उन्होंने हदायतें ने गिया वो हो रही ने गिया। तो सारा कि अधीन आता है? संचार के साधनों के अधीन ही आता है संचार। हुण सारे बच्चों को फोन ने, उन्होंने को इंटरनेट चलता, तो उन्होंने को वट्सअप चलते हैं, ये सारा संचार के अधीन आ गए। फिर टैलीविजन के डी डी पंजाबी सारा प्रोग्राम आता, जो जो क्लास लगनी होंगी है वह पहले टाइम टेबल आता, तो हर रोज़ क्लास लगती है ता जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो सके। इस रेडियो से आता है, सारा कुछ ये संचार के साधनों के आ जाता है। यातायात के साधन जिमें कि असं पहले पढ़ चुके हाँ कि यातायात के साधनों की लोड़ वस्तुओं और लोगों को एक थान तो दूजी थान तक ले जाने वास्ते होती है। किसी अर्थव्यवस्था में यातायात का कौन साधन ज़्यादा बढ़िया रहेगा, यह कई गल्लां ते निर्भर करता है। जिमें कि किसी अर्थव्यवस्था के भिन्न भिन्न खेत्र
आर्थिक दृष्टि तो किन्ने आत्मनिर्भर हैं या अलग अलग खेत्रां विच आपसी किन्ना क निर्भर करते ने। भारत विच यातायात के मुख साधन हेठ लिखे हैं रेलवे लंबी दूरी के भारी माल अते यात्रियों लई लंबी दूरी के भारी माल अते यात्रियों लई रेलवे यातायात का सब तो सस्ता साधन है। भारत विच पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 भारत के विच पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 नूं मुंबई तो थाने तक बिछाई गई सी। ये क्वेश्चन पेपर में बड़ी बारी आता जिवें तुहाडा हुण टैस्ट होना गा पैस दा ते नैस दा तो उहदे संबंधी भी तुहानूं इह चंगी तरह पढ़ना चाहिए। भारत विच पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 नूं मुंबई तो थाने तक बिछाई गई सी। भारतीय रेलवे एशिया विच पहले अते संसार विच चौथे नंबर ते है पर मतलब लंबाई के आधार पर कह लो या भी जो बजट हैगा या कह लो जो विस्तार है तो भारतीय रेलवे एशिया विच पहले अते संसार दे विच चौथे नंबर ते है। भारत विच इस समय रेलवे लाइना की कुल लंबाई 115,000 किलोमीटर तो वध है 115,000 किलोमीटर तो वध है। हर रोज़ 20,000 तो वध रेलगड्डियां 20,000 तो वध रेलगड्डियां 7500 तो वध स्टेशनों विचकार औसतन 20 मिलियन सवारियां ढोंदियां हैं क्योंकि रेलवे सब तो सस्ता साधन हैगा। सस्ता साधन क्यों आ? सस्ता साधन जेकर असी बस से सफ़र करिए तो बड़ा खर्चीला हो जाता उसे ज़्यादा टिकट सब मुल हों पर रेलवे की जो टिकट होंगी है पहली गल तो बंदा उस दे विच आराम नाल बैठ जाता फिर तुर फिर सकता फिर पानी पीना भाव उन्हों सहूलत भी मिलती है दूजी गल सस्ता भी है। मेरा जिला मेरा संगरूर है तो ड्यूटी मेरी जिला अमृतसर दे विच है तो जेकर मैं बस से जावां तो मैं आन जान घट्टो घट 1500 रुपये च पै जाता जिवें मैं रेलवे ते आवां जावां तो मैं आन जान सिर्फ मेरा 100 रुपया आन ते लगता 100 रुपया जान ते लगता मैं 200 रुपये विच अपने घर पहुँच जाता जो कितना फर्क हैगा। तो यह सारा कुछ रेलवे का मुख है। पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 मुंबई तो थाने तक बिछाई गई सी। तो पहला क्वेश्चन महत्वपूर्ण आर्थिक आधारित संरचनावां कीड़ियां हैं महत्वपूर्ण आर्थिक आधारित संरचनावां कीड़ियां हैं तो असीं उपर पढ़ियागा तो यह सारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यातायात अते संचार बिजली अते शक्ति यातायात अते संचार दा की है देखो यातायात तो सानू आना जाना पैंदा संचार की हैगा सानू आन जान की लोड़ भी नहीं घर बैठी असी कुछ भी कर सकते हैं टैलीफोन ते इंटरनेट राही डाक सेवावां राही। तो यातायात अते संचार दोनों तां कट्ठे लिखे ने एक नाल सानू फिजिकली सानू आ खुद नू आना जाना पैंदा ते दूजे नाल सानू आउन जान दी लोड़ नहीं घरे बैठे ही कुछ कर सकते हैं। फिर बिजली अते शक्ति संचाई बैंकिंग अते वित्तीय संस्थावां यह साडा पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूजे क्वेश्चन का यातायात प्रणाली किसी देश की यातायात प्रणाली विच ओ सारे साधन आउंदे हन जो लोकां अते वस्तुआं नूं एक स्थान तो दूजे स्थान तक लियाउण अते लिजाण दी वरतों विच आउंदे हन इस विच रेलां सड़कां जल अते हवाई यातायात नूं शामिल कीता जांदा है। इह दूजे क्वेश्चन दा आंसर है। इह दूजे प्रश्न दा आंसर है।
ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਰੋ ਰੇਲਵੇ ਬੱਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਾਤਾਯਾਤ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਯਾਤਾਯਾਤ। ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਦੱਸੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1835 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਗਲਤ ਹੈ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1853 ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ। ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਮੀਨਸ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂਜ ਟੂ ਕੈਰੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡਸ ਫਰੋਮ ਵਨ ਪਲੇਸ ਟੂ ਅਦਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ, ਦੂਜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦ ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਦ ਫਸਟ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ ਮੇਡ ਇਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1835। ਫਾਲਸ। ਏਟੀਨ ਫਿਫਟੀ ਥ੍ਰੀ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ 1835। ਇਹ ਫਾਲਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਵੇਗਾ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਦਾ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰੇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਬੰਬੇ ਟੂ ਥਾਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਗਾ ਪੈਸ ਅਤੇ ਨੈਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਪਾਠ 'ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਭੇਜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।